हाय दोस्तों, बच्चों, आप लोगों सबको प्रणमा ऋषिकूट नाम का मेरा चैनल में ऊपर वाला का नाम से स्वागत। ऊपर वाला का बिना हम लोगों कुछ नहीं है, ऊपर वाला हमारे रक्षा करे। आज मैं इसी अचार कैसे बनाओ थोड़ा दिखाने के लिए आई है। दो टाइप अचार में डाल के वीडियो डाल के डाला है। आप लोग सर्च करेगा तो, मेरा चैनल सर्च करेगा तो मालूम पड़ता है। फिर भी इसी इसी में कैसे थोड़ा अचार कैसे बनाओ जल्दी जल्दी। ऑफिस में जाने वालों को थोड़ा चपाती का साथ में, चावल का साथ में जल्दी से बना के लेके जाने का एक अचार, वो मैं दिखाती हूँ। इसके लिए मैं आम दूसरा भी निकल के रखा है, फिर अभी तो काट कर दिखाने के लिए चार पांच आम, कच्चा आम निकाल कर इधर रखा है। मैं काट के नमक डाल कर रखा है दिखाने के लिए, फिर अभी आप लोग को काट कर दिखाने के लिए ये सब निकाल कर रखा है। मैं काट कर दिखाती हूँ कैसे है। ऐसा करके, ये छिलता नहीं निकालने का, छिलता टेस्ट है, अच्छा भी है। आप लोगों को काटने को मालूम है, फिर भी ये बारीक काटने का है ना, एकदम एकदम बारीक। इसके लिए पर थोड़ा दिक्कत है। ऐसा इतना बारीक काटना है, इतना बारीक काट के नमक डाल के रखने का है। मैं काट के रखा है, मैं दिखाती हूँ। देखो ऐसा वाला आम, और एक पांच आम है, मैंने काट कर दिखाया ना, ऐसा वाला पांच आम है, वो काट के नमक डाल के रखा है। नमक मैंने डाल दिया, अब दिखाते हैं इतना नमक। एक छोटा बोला है इसमें, एकदम चम्मच बोला तो टीस्पून में चार चम्मच, दो बड़ा चम्मच नमक है ये भर के, वो डाल के एकदम हाथ से नहीं मिलाने का है, हाथ से मिलाने का नहीं, हाथ हाथ डालने का ही नहीं इसमें। एकदम चम्मच में से इसे दूसरा बर्तन में डाल के मिला के, मैं कांच में, कांच का बर्तन में रखा है, क्योंकि दूसरे बर्तन में ये इसका ये पानी निकलने के टाइम वो बर्तन का वो भी निकलता है ना, इसके लिए ऐसे एकदम। वो आम है ना, हम लोग काटने से पहले मस्त तो एकदम धो के वो पानी पोंछने का है, पानी पोंछ के ही काटा है। अभी ये मैंने 3 घंटा रखा है, क्योंकि वो 3 घंटा रखने के बाद में देखो इतना ऐसा पानी निकला है। ये इतना रखने का ज़रूरत नहीं, वो उसी टाइम काट के उसी टाइम भी हम लोग को अचार डाल सकते हैं, क्योंकि वो जितना टाइम वो रखेगा ना अचार डालने के बाद में भी, वो रखे रखे वो पानी आएगा, वो एकदम ग्रेवी उसमें अपना आप आ जाएगा। ऐसा 3 घंटा रखेगा तो मेरे को अभी टाइम है, टाइम लेके मैं बनाते हैं, इसके लिए मैं इसे रखा रखा तो वो पानी, अभी ये पानी और ये निकलता नहीं है। अब हम लोग मसाला मिला के इसमें डाल के मिक्स करके लेते हैं तो भी ग्रेवी होता है। हम लोग काट के उसी टाइम भी हम लोग बना के रख सकते हैं, फिर ऐसे बनाएगा तो भी एकदम अच्छा टेस्ट होता है। मैं दिखाते हैं इसमें और क्या क्या मसाला चाहिए, मैं दिखाते हैं अपना अचार बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए लहसुन, इतना लहसुन लिया है मैंने, ये थोड़ा ऐसा घिस के लेना है, एकदम पीसने का नहीं, पेस्ट जैसे करने का नहीं, थोड़ा घिसना है, मतलब समझ गया होगा ना आप लोग। ये अदरक है, ये भी ऐसा टुकड़ा करके, ये भी ऐसा करके लेने का है, क्योंकि वो ग्रेवी है ना, वो ग्रेवी को अच्छा टेस्ट होएगा ऐसा डालेगा तो। ये ऐसा अखा अखा डालेगा तो ना ये ऐसे ही रहेगा, तो थोड़ा पीस के
थोड़ा पेस्ट जैसे नहीं, थोड़ा पीस के डालेगा तो दोनों तो मस्त टेस्ट है वो ग्रेवी को। फिर दा कश्मीरी चिल्ली है, तिक्का नहीं इसको ज़्यादा, मस्त कलर है। तो ये स्पून है ना, ये चम्मच, इसके लिए चार बड़ा चम्मच लिए ले, ये वो चाहिए। तो 1.5 स्पून टीस्पून राई, ये थोड़ा पीसना है, ज़्यादा पाउडर नहीं, थोड़ा, ये थोड़ा कट होने का जैसा चमड़ी थोड़ा निकल के थोड़ा कट होने का वैसे ही थोड़ा पीसना है। ये थोड़ा अपना मेथी है ना, वो गरम करके पीस के रखा है, ये आधा चम्मच है, आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है, ये आधा टीस्पून हल्दी है, ये 1 टीस्पून हींग है, हींग का पाउडर है। फिर कड़ी पत्ता चाहिए, फिर इसके लिए बघारने को थोड़ा राई और चाहिए। फिर तिल का तेल में बनाते हम लोग मसाला तैयार करके, ये आंग में ये हम लोग काट कर रखा है उसमें डाल के मिक्स करके दिखाते। मैंने दो जब तक देखो अदरक और लहसुन थोड़ा पीस के, एकदम पीसा नहीं इसे रखा है, और राई भी ऐसे करके रखा है। तो गर्म हो गया ले, उसमें हम थोड़ा और राई डालते, गैस मीडियम रखा है, उसमें हम लोग अभी लहसुन डालते हैं। अदरक को भी डालते हैं, थोड़ा ऑयल आने दो अच्छा से, उसका वो कच्चा और टेस्ट थोड़ा जाके थोड़ा अच्छा थोड़ा कलर चेंज होएगा जब तक बाकी सब डालेंगे। कड़ी पत्ता डालते हैं, तेल आपको कितना आपका मर्जी ऐसे डाल सकते हैं, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी कड़ी पत्ता थोड़ा अच्छा से फ्राई होने दो, धनिया आता है मुँह पे, हल्दी डाल, मेथी पाउडर ना वो डालते, गैस और थोड़ा कम करते, थोड़ा और आई है ना वो डालते, फिर जो हींग है ना हींग पाउडर वो डालते, लास्ट में मिर्ची पाउडर डालते। मिर्ची पाउडर को ज़्यादा पकने का नहीं है ना, वो जल्दी होएगा, इसके लिए ये भी डालते। एकदम हो गया है, अभी हम लोग गैस बंद करते हैं। देखो मस्त हो गया कलर, देख एकदम चेंज हो गया। अभी गैस बंद करके वो हम लोग काट के रखा है वो आम के अंदर डालते हैं, देखो इसमें डालते हैं, दूसरे बर्तन में डाला है वो अपना काट के रखा है वो टुकड़ा, अच्छा से मिक्स करके एकदम, तो बहुत टाइम, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिक्स करना है, ज़्यादा टाइम ऐसा हिलाना है, वो मिक्स करके हम लोग दिखाएंगे। देखो अच्छा एकदम
मिलाया, मिक्स किया, देखो एकदम मस्त हो गया। देखो अच्छा हो गया, आप लोगों को पसंद हो गया होगा ना। दूसरे बर्तन में डाल के दिखाता है, देखिए अपना अचार कैसे, देखिए कच्चा आम का अचार आप लोगों को ज़रूर पसंद होएगा, एकदम अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, टेस्ट भी एकदम अच्छा है। आप लोग ज़रूर बना कर देखिए, आप लोग ये वीडियो पसंद हो गया तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वैसे ही आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट भेजिए, हिंदी में, हिंदी इंग्लिश में टाइप करके कमेंट भेजिए, आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट बोलना, तो मैं दूसरा एक एक आइटम्स हम लोग बना के डालेंगे। मेरा हिंदी आप लोगों को गलती किधर गलती हो गया तो आप लोग ज़रूर माफ़ कीजिए। दूसरा के वीडियो के साथ में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक ऊपर वाला आप लोगों को सबको, हमको भी, आप लोगों को भी सबको अच्छा रखे। थैंक यू।